Principles of Systematics, Module 185, Phenetics and Cladistics. In this module, we will dis discuss the differences between Phenetics and Cladistics. So, what is Phenetics? Phenetics is basically a method in which we construct a phenogram, but when we are going to construct a phenogram, we consider the current state. करंट स्टेट ऑफ करेक्टर्स हाउर जेनेटिक करेक्टर्स नॉट कंसिडर्ड कंस्ट्रक्टिंग द फिनोग्राम जो फिनोग्राम है, है जिसको कंस्ट्रक्ट करते हुए हम करंट करेक्टर स्टेट को सामने रखते हैं इसके अंदर एवोल्यूशनरी जो करेक्टर्स हैं या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको कंसिडर नहीं किया जाता जबकि जो क्लेडिस्टिक अप्रोच है ये डिफरेंट है इसके अंदर ना सिर्फ हम करंट जो स्टेट है करेक्टर्स की उसको कंसिडर करते हैं बल्कि उसके साथ साथ एंसेस्टर रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं तो ये बेसिक डिफरेंस है फिनेटिक्स के अंदर और क्लेडिस्टिक्स के अंदर कि फिनेटिक्स के अंदर हम करंट करेक्टर स्टेट को वेटेज देते हैं जबकि जो क्लैडिस्टिक cladistic है क्लैडिस्टिक्स के अंदर हम करंट स्टेट को भी कंसिडर करते हैं और एंसेस्टर रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो डीपली कंजर्व होते हैं और बहुत सारे करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डीपली कंजर्व नहीं होते अब जब हम क्लैडिस्टिक्स को यूज करते हैं जब हम एक ट्री डायग्राम क्लैडिस्टिक्स के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर हम ऐसे करेक्टर्स को कंसिडर करते हैं जो कि डीपली कंजर्व हों जबकि फिनेटिक्स के अंदर हम डीपली कंजर्व करैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते अब जो ट्री डायग्राम्स हैं जब हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं तो इसके अंदर तीन बेसिक अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि पहली जो अप्रोच है क्लेडिस्टिक अप्रोच क्लेडिस्टिक अप्रोच के अंदर हमने कहा कि ये ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम डीप करेक्टर्स को कंसिडर करते हैं इसके अंदर हम एवोल्यूशनरी जो स्टेट है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है उनको कंसिडर करते हैं जबकि जो फिनो फिनेटिक अप्रोच है फिनेटिक अप्रोच के अंदर जब हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं या ऐसे करेक्टर्स जो डीप नहीं होते उनको कंसिडर करते हैं इसके अंदर हम करंट स्टेट्स को कंसिडर करते हैं करेक्टर्स की जबकि जो थर्ड टाइप है मोलेक्र फाइलोजनिज इसके अंदर हम दोनों करेक्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं यानी इसके अंदर हम फिनेटिक्स और क्लेडिस्टिक अप्रोच को कंबाइन भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम मोलेकुलर डाटा का जैसा कि डीएनए और आर का इस्तेमाल करते हैं अब ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी जो है वो किस चीज के ऊपर बेस करती है वो फिनेटिक्स के ऊपर बेस करती है इसके अंदर जो ट्री डायग्राम बना जाती है वो एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी बेस के ऊपर नहीं बनाई जाती जबकि ये सिंपल जो मार्फोलॉजिकल ट्रेड्स हैं जो मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उसकी बेस के ऊपर इसको कंसिडर किया जाता है ये जो टेक्निक है ये फास्टर टेक्निक है और कन्वीनियंट है और कन्वीनियंट है और इसके अंदर ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर नहीं होती जबकि जो क्लैडिस्टिक है क्लैडिस्टिक जो अप्रोच है ये कंपैरेटिवली स्लो है लेकिन इसके अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स की एंसेस्ट्री है उसको आसानी से डिटर्मन कर सकते हैं अब अगर हम लिनियस के बारे में बात करें तो लीनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि फिनेटिक्स के ऊपर बिलीव करता था क्योंकि इसके अंदर इस दौर के अंदर जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था तो उस दौर के अंदर ज्यादातर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे उनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे अब ये जो रिसर्चर था इसने जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया तो इसकी क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर इसने एक फ्रेमवर्क दिया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर करैक्टर्स मैच करते हैं उनकी जो एंसेस्ट्री है वो सेम है जबकि अगर हम डार्विन की बात करें तो डार्विन एक क्लैडिस्ट था यानी इसकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करैक्टर्स आपस में अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है ये एवोल्यूशनरी रिलेटेड है ये किसी कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं उसके बाद अब फिनेटिक्स की जब हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इस बेस के ऊपर जो हम ट्री डायग्राम्स बनाते हैं एक तो इसके अंदर हम डिस्टेंस मैथड्स को यूज करते हैं जब हम सीक्वेंस डाटा यूज करते हैं तो सीक्वेंस डाटा के अंदर डिस्टेंस मैथड यूज किया जाता है उसके अलावा इस बेस के ऊपर जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं इसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं उसके बाद इसके अंदर जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं लेकिन यहाँ पे फिनेटिक्स के अंदर जब हम एल्गोरिदम यूज करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करके ट्री डायग्राम बनाते हैं तो इससे जो हमारे पास फाइनल ट्री आती है वो फाइनल नहीं होती क्योंकि जो क्लैडिस्टिक है क्लैडिस्टिक के अंदर हम जो एक ट्री डायग्राम हैं उसकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो सकती है इसके अंदर डिफरेंट पाथवेस का इस्तेमाल किया जाता है फिर जो उसमें से बेस्ट ट्री होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरम्यान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं तो बेसिक दोनों जो टर्मिनोलॉजी के अंदर डिफरेंस था कि जो फिनेटिक्स है इसके अंदर हम करंट जो करेक्टर स्टेट्स हैं उसको बेस बनाकर फिनोग्राम्स बनाते हैं या ट्री डायग्राम्स बनाते हैं जबकि जो कलेटिस्टिक्स है इसके अंदर हम करंट स्टेट के साथ साथ जेनेटिक करेक्टर्स या जो ऑर्गेजम्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है उसको भी बेस बनाते हैं